कलकत्ता से जी वापसी पहुंचा हूं और सीधा बुलावा आ गया दोस्तों का, एक एक करके सबसे मिलने जाना है। और मिस्टर सुकुंदर सिंह के यहाँ एक स्पेशल हमारी पैकेज डिलीवरी आई है, उसकी डिलीवरी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और मिस्टर गुलाटी भी याद फरमा रहे हैं और भाभी जी से भी एक खास बात करनी है, थोड़ी सिचुएशन है, आगे वीडियो में बताता हूँ। बट फिलहाल शुरुआत करी जाए। अरे बाबूजी को लगा तो सही कोई तो आया दरवाजे पे, क्या हाल है भाई जी? इस टाइम कौन आएगा शाम को 7 बजे वीडियो रिलीज कर गया आपके पास? आई एम बैक आफ्टर सो मेनी डेज। मैं खुद मिस कर रहा था आपका डायलॉग। चलो ठीक है, बड़ी लेजिटिमेटली लगा लिया। अब क्या वो सामान आ गया? सामान आ गया भाई जी, चेक करो। वो बड़ा जरूरी डिलीवरी स्पेशल जगह पहुंचानी है। आओ आओ। हेलो हेलो, अरे राइट हैंड से भाई। हेलो जी भाई जी, ओह क्या बात है, माय प्रोटीन का अभी तो एक और डिब्बा है भाई है? हमारे जाने से पहले जो है लड़ाइयां हो रही थी, ओह हमारे जाने से पहले हो रही थी लड़ाइयां कि भैया किसको क्या हाथ मिलेगा क्या नहीं आएगा। तो मैंने कहा सबके लिए मैं ऑर्डर कर देता हूँ इकट्ठा, और इनके लिए सामान जो है आ लिया। और मैं गया हुआ था कोलकाता तो इधर दे इधर आ जाए, हेलो हेलो मत कर तू। मैं जी गया था कलकत्ता तो पीछे से सारा सामान यहाँ पे मंगवाना था। हर्षित के लिए भी कई सारी चीजें चाहिए थी, मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से ऑर्डर कर देता हूँ, तू देख ले फिर ले लियो। और मिस्टर सिंह के लिए भी मंगवाया। आपने क्या क्या मंगवाया सर बताओ? चॉकलेट ब्राउनी मंगवाई थी जो कि बहुत अच्छी है, ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ। अच्छा ट्राई कर चुका है मैं। अच्छा ओहो, युविका से मिलना भांजी से मेरी। हेलो युविका, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। यार सामान तो मंगा लिया है बहुत सारा। ले भाई जिसका नाम लेना वाला था उसका फोन भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा? हाँ इसको बताएंगे नहीं, इतना सारा माल आया है। हाँ ओहो, लेकिन वीडियो तो देख लेगा ये। अरे यार ये तो ठीक है भाई, सबको फोन करके बोलो बस निकल रहे हैं, आप पहले बंटवारा करके अपना सामान आना कर लो जो जो आपको चाहिए। और क्योंकि मैंने आपके लिए स्पेशल ये मंगवाई थी, ये ओमेगा 3 और इसके अलावा मल्टीविटामिन। ठीक है जी, अब इसके लिए हर्षित के लिए जो सामान आया वो लेके निकलते हैं फटाफट। दूध में दाल डाल के डोले बना लेगा अपने। और मैंने अपने लिए मंगवाया एक, वो निकाल यार मेरा, क्या कहते हैं इसके अंदर होगा। लो सर कुकीज। ओ क्या बात। ठीक है, और ये मेरा सिपर आ गया, एक आपके लिए। ओ क्या बात है, एक मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना कनाडा भूल गया था तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं अपना जो है मंगा लेता हूँ। अब जी मैं कोलकाता गया था और बैग की लिमिट थी वेट की 15-15 किलो की, तो इसीलिए मैं वहाँ से मिठाइयाँ वगैरह रनिंग करता हूँ ना तो इसमें बहुत बढ़िया रहेगा। वेरी गुड। मैं कुछ ला नहीं पाया भाइयों के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है प्रोटीन वगैरह अपने लिए तो मंगाना ही है, साथ में 2-4 चीज़ें इनके लिए भी फालतू आ जाएंगी। मेरा आगे एक ट्रैवल का प्लान भी आ रहा, तो इसलिए मैंने अपने लिए छोटा वाला मंगा लिया। सिपर भी मैं उसी को दे देता हूँ भाई। हैं? सिपर हर्षित को लेने दे क्योंकि वो जिम विम करता है, उसको जरूरत है। इतना बड़ा दिल है यार भाई, तो अपना ही है फिर। नहीं मुझे पता है फिर इसकी जगह आप कुछ और रखोगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, इतना सारा सामान है भाई जी। ठीक है ठीक है, इतना दिल खोला हम सबके लिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अगली बारी फिर खोल देना। ठीक है कोई बात नहीं, एनी टाइम एनी टाइम। चलो चलो चॉकलेट वाला माल भरा हुआ है, वे मुंह में पानी आता जा रहा बोलते बोलते भी। अरे सर आप क्या बढ़िया सेट तैयार हो गया आगे। मैं तो फैक्ट्री से आया था, मैं चलो चेंज कर लेते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, फ्रेश होना बड़ा जरूरी है। फ्रेश होना जरूरी है, हाथ धोए और चलती है। वेरी गुड वेरी गुड। भाई उसका क्या सीन है गुलाटी साहब का? गुलाटी साहब को 3 बार फोन किया सुबह से कि वो घर का बताओ, मैं तो पिछली बार गया था 15 मिनट में घर दिला दूंगा आपको। मैं कह यार बाय चांस प्लान बन जाए क्योंकि मेरे को भी फिर आगे कहीं निकलना है, तो इसीलिए बात चल रही है उनसे जरा। हाँ गुलाटी साहब है, गोलीबाजी भी आ रहे हैं थोड़ी बहुत। गोलीबाजी में तो नहीं आ रहे यार, मगर जाके एक बार उनको रिमाइंड कराना पड़ेगा। फंस गया होगा काम, बिजी आदमी है ना यार, बिजी आदमी। हां चलो चलो बोल लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। हां हां बट कहीं फंस गया होगा। फंस गया
सर जी फोन मिला दूं हर्षित को, दो मिनट में तो पहुंचने वाले हैं। भाई जी वो सुनते सुनते नीचे आ जाएगा, उसको पता है उसका सामान आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, फिर भी आप कर दो, मैं मिलाता हूँ। आप मतलब जो है बात कह जाते हो उसके बाद मलम पट्टी कर देते हो। नहीं नहीं मेरे को पता है यार, पुराने यार दोस्त हैं। हाँ थोड़ी बहुत टांग खींचनी चलती है। टांग नहीं सर, असली जानते ना हर एक की। अभी वो है नहीं, उनको आने दे, उसके बाद बोल जो तूने जो बोलना है। चल भाई मैं करूँ फोन। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, भागते 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 क्यों करूँ मैं? अरे आ जाओ सर, आ जाओ। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसा रहा कलकत्ता आपका? बस सर बहुत बढ़िया, आप बताओ। क्या क्या खा गया है, क्या चक किया है वहाँ से? सर बस ये लगाओगे सौंदेश दौरबेश। सौंदेश दौरबेश सब खा गया है। इंतजार कर रहे ना वो दो, इसको देखो आंखें भी कहाँ पे है, आपसे मिलने का इंतजार नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, देखो बंदा चेक भी कर रहा है अपना सामान लाया नहीं आया। ब्राउनी बता दो क्या बोला था मैंने। क्या चीज? मैं कह सिपर भाई के लिए जरूरी है। हाँ मैं कह रहा तेरे को रखना है, इसने कहा नहीं 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 मैं कह रहा हूँ सिपर तू रख ले। क्या रख लो, मेरे पास सिपर पड़े हैं ऑलरेडी। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। देख ऐसा है, तूने मेरे को दिवाली गिफ्ट दिया था, मैं रिटर्न गिफ्ट दिया। तूने क्या दिया मेरे को भाई? रिटर्न नहीं दिया, कुछ भी दिया नहीं, नस्तान दिया। ब्रदर एक बात बताऊं, इसमें मैं ओमेगा 3 थी वो दोनों आपने रख ली? मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास oh सुन, 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 नहीं है। ओमेगा 3 है बट वो मैंने नहीं रखी ब्रदर। तो फिर कहाँ गई? मोहित ने रखी थी। नहीं मैंने सारे नहीं पाया। अच्छा, आंटी के लिए? नहीं 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 मैं बहुत बड़ा वाला है, ये देखिए एक और पड़ी हुई। अच्छा एक बड़ा वाला है, पड़ी है अपने पास। ओमेगा 3 आप रखो सर, आप ये ट्राई करो। अगले को कि क्या क्या सामान मंगाया है, तो कुछ मिलता है हमेशा तो तू ही ले जाता है। जो सामान ले गया था प्राइमरली इसके हाथ चला गया। मेरी बात सुन ले, सूट समेत वापस कर दिया गिफ्ट जो हमने इसने दिया था मेरे को, उसके बाद उसके बदले सिपर दे दिया। हाँ, हाँ, सिपर दे दिया, ठीक है ना भाई? सिपर भी मंगाओ, तेरा वाला सिपर पास ऑन कर भाई, था तो मेरे पास। दिवाली में यही तो होता है, एक ही जाती दूसरी जाती है। तू सुन एक बात बता, तूने क्या नकद दिए? एक ब्रदर तू ही रख ले, क्योंकि एक्चुअली ये तेरे पास है इसलिए तू मेरे को दे रहा है। ऐसा है, एक बात बता फिर सुन मेरी बात, गलत बात मत। परफ्यूम तो फिर भी मेरे पास था, तूने मेरे को दिया, मैंने तेरे को वापस किया। नहीं दे सकता नहीं, नहीं, एक बार जो चीज दी वापस। वो परफ्यूम नहीं था, नेवर। वो डिओडोरेंट था आपके पास? डिओडोरेंट नहीं, डिओडोरेंट भी नहीं थी वो। वो अच्छा रोल ऑन, दैट इज रोल ऑन। वो आप यूज नहीं करते, करेक्ट योरसेल्फ। अच्छी चीज आप यूज करते नहीं, अच्छी चीज आपको दी यार आदमी। एक बेचारा किया उसने सब कुछ, तू जबरदस्ती हर चीज बोले जा रहा है। और दोनों को मिल गया ना? हां बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोला गन भाई कह रहा है, कह रहा दोनों कमाई होगी सेटलमेंट। अच्छा कह रहा माल, तूने कह देगा माल दोनों को मिल गया। भाई साहब की भाषा में आपको मैं इसको यूज करके आपको बिफोर और आफ्टर बताऊंगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड सर, मजा आ जाएगा। मैंने दिसंबर से हार्डकोर करनी है। अच्छा तो सर उसके बाद बताएंगे आपको कैसे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जेन्युइन आपको वो देंगे। मैं कह रहा हूँ मिले, थोड़ा चिल कर लेते हैं, हल्का फुल्का। कहाँ चिल करवा रहे हो आज हमें फिर आप? जहाँ क्या खाना है वही अपने वेजीज खाने थोड़े। नहीं नहीं यार मैं वेजीज नहीं खा सकता रोज रोज। तो फिर क्या खाएं? वैसे आज सैटरडे है, आज कहीं थोड़ा चल लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं अगर तेरे पास टाइम हो तो। हर्षित कहाँ पे खाएंगे? मैं तो कहता हूँ दिल्ली से, जीके वीके दिल्ली चल लेते हैं। जीके से सर थोड़ा मेरे को एक्चुअली ना कल मैं ऑक्यूपाइड हूँ। ये दोनों भी भाभी की ड्यूटी पे हैं, वो गया हुआ है अपनी मिसेस के लिए कुछ सामान लेने के लिए, ये अपनी मिसेस के लिए जो है एक कुछ केमिस्ट से छोटी मोटी चीज लेनी है। आई ड्रॉप लेने जा रहे हैं, आई ड्रॉप। अब केमिस्ट पे आई थी तो मैंने अपने ले लिया ये टंग क्लीनर। आपको पता है पूरे कनाडा में मैं ढूंढ रहा हूँ, थक गया, ये मिलते नहीं है। क्या बात कर रहे हो जी, चाहे अमेजोन पे चले जाओ, किसी फार्मेसी पे चले जाओ, प्लास्टिक वाले कोई नहीं मिलते। वजह मुझे नहीं पता, बट हो सकता है मेरे को ही ना मिले हो, मैं थोड़ी अहमकाना हरकतें कर रहा हूँ। मगर आप वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगा देते, कुछ ना कुछ मोड़ के बना देते। वो तो जुगाड़ तो करते ही रहूं।
बट मिलता नहीं है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अरे वाह सर, शक्करकंदी बनवा रहे हो हैं? हाँ जी सर, शक्करकंदी बनाना जरूरी है, ये आपकी अगर आप बल्किंग करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट है। अच्छा हाँ जी सर। थोड़ा भाई तेज बनाइए, भाई को ना कड़क पसंद है, क्यों ब्रदर? हाँ कड़क कड़क पसंद है। पंद्रह सेक्टर आपके लिए यादगार बहुत है। आपके लिए गुलाम हर्षित जी, आप आते थे ना, रहन दे भाई रहन दे। मेरे लिए क्यों, आपने मेहंदियाँ बहुत मतलब बहुत लगवाई हैं, लगाई हैं मेहंदी लग रही है पीछे, होती रहती चीजें, पुरानी चीजें आती हैं। टेस्ट कर लेना, कुछ कमी वमी हो तो बोलो, नींबू ज्यादा कम है ना, भैया थोड़ा नींबू डालो। भैया समुन्दर के साथ घूम रहे हम जैसे तालाबों को क्यों याद करते हो? समुन्दर का मतलब है सुखविंदर सर, समुन्दर सुखविंदर। हम क्या है, ये सुनो, ये राजा लोग हैं, ये सारे राजा लोग रंग का ना मजाक उड़ाते हैं। एक बात बताओ गुलाटी साहब, मेरी बात तो सुनो। यू कैन नॉट से हर्षित, इट इज हर्षित जी। हर्षित जी हाँ, वैसे भी भाई तू ना दूसरे डायलॉग मत मार, मेरी बात बता। अरे सोते वक्त भी ऐसे डायलॉग कहाँ से याद कर लेता है तू भाई, तेरे को तो नींद आ रही थी। अरे मेरी जान सुन, हाँ जी आप एक बात सुनो, मेरी बात सुनो सुनो, आपको आप गधे पे भी हाथ छोड़ दो घोड़ा हो जाए। बट ये सारी बातें आप जो करते हो ना, सुनो मेरी बात, आ जाओ 5-10 मिनट के लिए आ जाओ। नहीं नहीं ब्रो, मैं सो गया, कसम से सो गया, अच्छा थक गया आज। आज सैटरडे है, चिकन नहीं खा सकता इसलिए भाई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, फिर अगर मुझे पता होता ना कि हर्षित जी दुबई से आ गए, ये तारे सोते नहीं, ये जागते रहते उस चांद को देखने के लिए। भाई ब्रदर ये तो आपके शूज वही वाले अच्छे वाले शूज है ना, जो दीदी ने गिफ्ट किए थे, दीदी ने गिफ्ट किए, तो आपको हर चीज याद रहती है, गिफ्ट वाली है ना। और ये जो चीज है, सर एक नया काउंटर खुला है फरीदाबाद में, थोड़ी सेक्टर में, लेबनीज। ओके वेरी गुड, लेबनीज तो मेरा सेकंड फेवरेट कुजीन है इंडियन के बाद, लेबनीज बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है, फलाफल रोल खाओ इधर, तो देखते हैं एक बार, एक ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है ये भाई। बेटा जरा दिखा दे भैया को क्या है, गुलाटी साहब से सीखा थोड़ा, नहीं नहीं अच्छा सीखना चाहिए ना। अच्छा बेटे बेटे बोलते हो? ओ यार बहुत ही हम्बल पोलाइट तरीके से बोलते हैं ना ऐसे। वैसे ऐसे तो गुलाटी साहब है, आज हम है नहीं हमारे साथ, तो मैं बड़ा याद कर रहा हूँ उनको। गुलाटी साहब ऐसे लवेबल पर्सन है, बहुत वेरी लवेबल, पता नहीं कैसे मगर। हाँ ये तो मंगाओ, हाँ मंगाओ सर मंगाओ, क्या मंगाओगे बताओ, जैसे मर्जी खा ले, रोटी की तोड़ के खा ले, तोड़ के वही करनी पड़ेगी मेरे को, मैं ये और ये भी तो खा सकता हूँ, ये खा ले सर, वो ले सकते शादी का सीजन शुरू हो गया भाई, आजो भाई आजो, कहाँ जाए ये कह रहे दोबारी शादी कर लो, घोड़ी पे बैठ जाओ। बताओ मोहित, एक मेरे को किस्सा याद आ गया घोड़ी को देख के ना, मेरे को भी ये आ गया, सेम वाला सेम वाला। अच्छा हमारा एक दोस्त है बड़ा तेज तर्रार आदमी है, बहुत तेज, अब वो वर्ड बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ कि वो है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी, तो क्या बोलते हैं, उसकी शादी थी और उस दिन इडली धुंध, मतलब इतनी धुंध के मतलब 50 मीटर भी ना दिखे। अच्छा तो जी गाड़ियों से हम वेन्यू पे पहुंचे, वेन्यू पे ना एक वो होता है कि जगह होती है वहां पे साथ बैठना पड़ता है,
और वहीं से फिर बरात पहुंचती है रिसेंबल पॉइंट था। तो जी वहाँ पे हम 5 मिनट बैठते, जी घोड़ी आ रही है, अच्छा जी अच्छा 5 मिनट और बैठे, जी घोड़ी आ रही है, घोड़ी आ रही है, चाय पकौड़े लो, सारे वो कर रहे हैं, शराबे लो, ये करो वो करो। तो जी करते करते 1 घंटा, 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, भाई जी घोड़ी वाले ने फोन ही उठाना बंद कर दिए कि भैया घोड़ी वाला गया है जी, पता नहीं कहाँ है, फोन ही स्विच ऑफ उसका। उसके बाद हम 4-5 दोस्त, मैं, हर्षित, ये वो, अलग अलग गाड़ियां लेके निकले कि भैया घोड़ी ढूंढेंगे, जो वहां पे भी रस्ते में घोड़ी मिलेगी हम घोड़ी ले लेंगे। भाई 15-20 मिनट, आधा 1 घंटे हम घूमते रहे, किसी को घोड़ी ना मिले। एट लास्ट फाइनली दोस्तों ने उसको कंधे पे बिठाया और वो उसके अंदर मंडप पे पहुंचाया। भाई गॉड, दोस्तों में क्या भाई साहब, इन्होंने ही बिठाया, हमने इसके कंधे फुला दी। अपने आप को भूल जाओगे लेकिन अपना सामान नहीं भूलोगे। सर देख लो सामान जो आपने दिया, सिपर नहीं लेके जा रहा हूं। सर ले जाओ, सिपर भी ले जाओ सर। नहीं, सिपर आपके। सर सिपर आपका, इसका मजा ही आ जाता। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, मिलते हैं आराम से। चलो हां जी, हां जी, ऑलराइट सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू भाई, थैंक यू फॉर दिस, नो प्रॉब्लम भाई, गुड नाइट। तो जी मिस्टर हर्षित तो चले गए हैं, मैं कहा इनको भी फटाफट जो है घर पे छोड़ूं, क्योंकि जैसे ही मैं जब आता हूँ ना तो इन सब की बीवियों को लगता है हमारी सौंकड़ आ गई है कनाडा से, सारे पतियों को खो के ले जाती है। लेकिन भाई आज ना मैं सोच के आया था कि सैटरडे है, अच्छा लॉन्ग वीकेंड बनाएंगे, जिस दिन सोच के आओ ना लंबा परमिशन लेके आओ, मैं परमिशन लेके आया हूँ आज भारत से, भैया मैं जाऊंगा लेट नाइट आऊंगा, कि भैया कहीं जाएंगे क्लबिंग जाएंगे या फिर कोई डिनर विनर पार्टी का रखेंगे। गुलाटी साहब को सबने सबने गोली बात दे दी, गुलाटी ने गोली दे दी, घर जाके ना मन नहीं लगेगा मेरा क्योंकि आज मेरे को परमिशन मिली हुई है। ये तो सर मतलब खर्चा भी हो गया मगर रिकवरी नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई, बिल्कुल भी रिकवरी नहीं, जीरो। चलो कोई नहीं, ठीक है जी, वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज अभी मैं आया हूं तो थोड़ा सा हमने हल्का सीन रखा है, कल पकड़ेंगे गुलाटी साहब को भी, क्योंकि एक दो छोटी मोटी अनाउंसमेंट भी है जो हमने करनी है आगे, तो साथ ही करेंगे वीडियो। बाकी ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।